मेरे एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजमल। आज काल के बारे में पढ़ेंगे। काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का विद्यालय जाता है, लड़का विद्यालय गया, लड़का विद्यालय जाएगा। यहाँ पर विद्यालय जाना एक कार्य है जो तीन अलग अलग समय पर हो रहा है। पहले में लड़का विद्यालय जाता है, जिस समय पर बात हो रही है उस समय पर यह कार्य चल रहा है। दूसरा, लड़का विद्यालय गया, जिस समय पर बात हो रही है उससे पूर्व पहले ही कार्य खत्म हो गया। लड़का विद्यालय जाएगा, जिस समय पर बात हो रही है उसके आगे या उसके बाद में यह कार्य शुरू होगा। मीन्स लड़का विद्यालय उस समय के बाद में जाएगा। तो कार्य किस समय पर ख़त्म हो रहा है या कार्य किस समय पर शुरू हो रहा है उसकी बुनियाद पर काल के तीन भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। यहाँ पर कार्य के करने का समय अलग अलग होगा। वर्तमान काल में क्रिया के इस रूप से चल रहे समय का बोध होता है। जिस समय पर बात की जा रही है उस समय पर क्रिया चल रही होती है। उदाहरण के लिए, लड़का तेज दौड़ रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, गाड़ी तेज चल रही है। जिस समय पर बात हो रही है उस समय पर यह कार्य चल रहा है। दूसरा है भूतकाल, क्रिया के इस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। मीन्स जिस समय पर बात हो रही है उससे पहले जो है क्रिया खत्म हो जाती है। जैसे लड़का विद्यालय गया, जिस समय पर बात हो रही है उससे पहले लड़का विद्यालय चला गया। मैं दिल्ली गया था, अभी बात हो रही है, जिस समय पर बात हो रही है उससे पहले क्रिया खत्म हो गई। भविष्यकाल, क्रिया के इस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है। जैसे लड़का विद्यालय जाएगा, जिस समय पर बात हो रही है उस समय के बाद में लड़का विद्यालय जाएगा। तो कार्य जो है उस समय के बाद में होगा। लड़के मैदान में खेलेंगे, जिस समय पर बात हो रही है उसके बाद में जो है लड़के मैदान में खेलेंगे। तो इस तरह से कार्य के करने के समय के अनुसार काल को तीन अलग अलग भेद में बांटा गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।